Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Kiran Kurwade. By choice, I'm a corporate trainer and life coach. And thank you once again for watching my series on interview skills. And this is another episode where we are going to discuss on very important aspect, very important element, and that is nervousness, dar, bhay. And this discussion will be in English as well as Hindi, so that people who are not comfortable in English can understand easily when we discuss in Hindi. So, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई डर लगता है, हर कोई नर्वस होता है। आप और हम क्या चीज़ है। बड़े-बड़े अभिनेता जो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो भी कभी कैमरा फेस करते हैं इतनी सैकड़ों फिल्में करने के बाद। वो कहते हैं, we also get nervous. But the point is, मुद्दा ये है कि आप कितने सेकंड के लिए नर्वस रहते हैं। इसके पहले कि नर्वसनेस आपको खा जाए, आपने नर्वसनेस के ऊपर हावी होना। The sooner you get over nervousness, you are a real winner, you are a champion. Fine. तो सबसे पहली चीज़ ये है, let's go to the grassroots, root cause analysis करते हैं कि भाई आपके अपने पर्सनल रीजंस क्या है भयभीत होने के, डरने के। What are your own reasons of getting scared or getting fearful? What causes fear? कोई जरूरी नहीं है कि जिस बात से आप नर्वस हो रहे हैं आपका मित्र उस बात से नर्वस हो रहा हो। भाई आपका मित्र हो सकता है कि अंग्रेजी माध्यम में उसकी स्कूलिंग हुई, उसका जो विद्यालय था वो इंग्लिश मीडियम था, अंग्रेजी नहीं था, तो उसका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। अब आप जो है वो अंग्रेजी मीडियम से नहीं है, माध्यम से नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो एक ब्लॉक होता है कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो इसके ऊपर आपको तो काम करना चाहिए, लेकिन इसको दे शुड नॉट बिकम अ रीजन टू ऑफ फियर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसको अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस कर लें। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ अंग्रेजी की बात चली, कई लोगों का ऐसा कहना है, मतलब ऐसा मानते हैं कि भाई फ्लुएंसी जो है अंग्रेजी में, जो बहुत जल्दी बात करता है इंग्लिश में, ऐसा लगता है कि वाह यार ये तो बड़ा अच्छा इंग्लिश में बात करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी भाषा में बात करें, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जिस बात में बात हो रही है इंटरव्यू, तो उस भाषा में आप में एक ग्रेस होना चाहिए, आप में एक अदब होना चाहिए, एक तहजीब होनी चाहिए। आप धीरे से बात कीजिए, ज़्यादा धीरे से भी बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भी रुकना नहीं चाहिए, लंबे पॉजेस नहीं लेने चाहिए, ताकि सामने वाले को ये ना लगे इसको शायद कोई शब्द सूझ नहीं रहा, या फिर ये सोच के जवाब दे रहा, या इसको इस सवाल का जवाब पता ही नहीं। तो एक लय में, एक रिदम में, इट शुड बी वेरी नेचुरल फ्लो, इट शुड बिकम योर एंटायर कन्वर्सेशन, द डायलॉग बिटवीन यू एंड द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स शुड बी वेरी graceful. It should be like a communion. तो nervousness. अब क्या करना चाहिए जो मुझे लगता है, preparation जो है, जो तैयारी है, आप जैसे इंटरव्यू में हैं, जाने वाले हैं कल, तो एक तो आपका जो सब्जेक्ट उसकी तैयारी पूरी कीजिए। आप जो रिज्यूमे है आपका, उसके जो अलग अलग सेक्शंस है, ये मेरे रिज्यूमे बिल्डिंग वाले जो सेक्शंस है अलग, आपको हर सेक्शन में जो प्रश्न पूछा जाए उसकी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो अलग अलग सेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हो सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज यू नीड टू एंटिसिपेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एवरी सेक्शंस लाइकली टू बी आस्क्ड एंड प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस सो दैट यू डोंट गेट a shock during an interview. That will help you to take care of your fear. If this is one of the factors contributing towards your fear, that is one. Second, we already discussed what are the different reasons of your personal fear. Could be that you are not having a command on language, maybe English, or maybe you're not confident about the subject knowledge, the industry knowledge, the company knowledge, and your role and responsibility. You're not studying the job description given to you by the campus. कई मरतबा मैंने एक बड़ा ही अलग तरह का डर देखा है लोगों में, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि दे आर नॉट हैविंग अ पर्सनालिटी which is up to the mark. अब उनको लगता है कि भाई उनकी हाइट नहीं है, वो गोरे चिट्ठे नहीं हैं, या इसको लगता है कि उनकी नाक बहुत बड़ी है. ये बातें कोई मायने नहीं रखती. It is not about the looks. It is basically how you look good. It is about presentation. कई उदाहरण हमारे बॉलीवुड में, हमारे हॉलीवुड में कई जो बेहतरीन सितारे हुए, सुपरस्टार्स हुए, उनको रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने पलायन नहीं किया. They did not escape. They worked very smartly and they worked very hard on their presentation, on their looks, and now they are icons. They are icons. Well, तो जो आप इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाए, जो इंडस्ट्री है, जो कल्चर है, जो प्रांत है, जो प्रदेश है, जो देश है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है. तो आपका दूसरी चीज़ जो है, कुछ एक छोटे छोटे टिप्स हैं, नुस्खे हैं. इंटरव्यू के दिन जब आप जाते हो तो कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं. ज़रूर कीजिएगा. आपकी जो हॉबी है, हॉबी के लिए आप 5-10 मिनट लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको गिटार बजाना बड़ा अच्छा लगता है तो बिल्कुल बजाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं. आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो आप कीजिए. बी विथ योरसेल्फ. बहुत खुश रहिए आप, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और ज़रा सा अगर कुछ हो जाए उसे इग्नोर कर दीजिए आप. थोड़ी सी नेगेटिविटी अगर हो जाए, किसी के साथ में अगर मनमुटाव हो जाए, तो कहना भैया आज जो है जगह नहीं, और आज क्या, मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ों को हमेशा आपने इग्नोर ही करना चाहिए. तो ये कुछ ही चीज़ें हैं. उसके बाद में इंटरव्यू के पहले, कुछ देर पहले, इमीडिएट बिफोर एन इंटरव्यू, यू नीड टू ड्रिंक वाटर. पानी पीजिएगा. जल ही जीवन है, ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं. लेकिन ज़्यादा पानी मत पीजिए. इतना मत पानी पीजिए कि आपको इंटरव्यू के दौरान आपको लगे कि यार आपको जो है वॉशरूम जाने की नौबत आए वो तो. लेकिन इतना ज़रूर पीजिए, बिकॉज पानी जो है, पानी कई फ़ायदे हैं पानी के, जैसे आप जानते हैं. एक तो आपका जो गला है वो उसको गीला कर देता है. इट्स अ वेरी गुड लुब्रिकेंट, बिकॉज व्हाट हैपन्स यूजुअली व्हेन यू आर इन इंटरव्यू, the initial moments you are very nervous. Most of us are very nervous. जब आप नर्वस होते हो और अगर गला सूखा हो तो गला फटने लगता है, नर्वसनेस और जाहिर होने लगता है. तो पानी पीजिए. आपने इंस्पायरिंग जो गुरूज हैं, आपके अपने हैं, वो याद कीजिए आप, और एक मंशा बना लीजिए कि यार आज इंटरव्यू में कुछ भी हो जाए, और फल की चिंता मत कीजिए आप कि आज इंटरव्यू को आपको खूब एंजॉय करना है, सीखना है. उस माइंड सेट से जाइए आप, उस ओपन माइंड से जाइए. तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो जिसकी तैयारी हमें करनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कपड़े, आपका रख रखाव, आपका पहनावा, आपका पर्सनल हाइजीन, आपका अटायर, आपका क्लोथ्स पावर. तो एक दिन पहले रात को कम से कम 2 सेट रेडी रखिए. और आपका अगर कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूट का अगर यूनिफॉर्म है, उसके भी मतलब 2 जोड़ी आप तैयार रखिए. एक में अगर हो सकता है सुबह कुछ गिर जाए, दाग लग जाए, तो 2. और रिगार्डिंग योर अटायर, रिगार्डिंग योर क्लोथ्स, योर फॉर्म्स, व्हाट यू शुड वेयर, व्हाट यू शुड नॉट वेयर, दिस वी विल डिस्कस इन अनदर एपिसोड ऑफ आवर सीरीज ऑफ इंटरव्यू स्किल्स. टैटूज अगर आपने कहीं किए हैं तो टैटूज आपके विजिबल नहीं होने चाहिए. वैसे तो मैं कहता हूँ कि जो टैटूज है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो गर्दन पे टैटू करते हैं या विजिबल हो जाते हैं. तो आपने अगर बॉडी में कहीं किए, आई एम नॉट एनकरेजिंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग अबाउट टैटू, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन, बट इंटरव्यूज में वो विजिबल ना हो, तो ऐसे टैटूज जगह मत कीजिए जो इंटरव्यू में नजर आए. इसका कारण बड़ा सिंपल है. हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आज भी जो टैटू वाला होता है उसको थोड़ा सा लोग जो है ऐसे सोचते हैं जैसे वो कैजुअल है. तो जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का जो सारा जो दारोमदार है वो ये है कि नॉट टू मिस अंडरस्टैंड एनी वन एंड नॉट टू गेट मिस अंडरस्टूड बाई एनी वन. ये बॉटम लाइन है, ये उसकी आधारशिला है. तो हमें क्यों किसी को कोई रीज़न देना है कि वो हमें मिस अंडरस्टैंड करे. सो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को असर करती है, उसको अफेक्ट करती है. तो आपका जो कपड़ा है, जब जा रहे हो इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए, तो एक बार आप आईने के सामने खड़े होकर जरूर देखिए सब बढ़िया है, आई एम लुकिंग स्मार्ट. दूसरा, एम आई ऑनेस्ट विद द पर्सन इन द मिरर. Don't try to fake. Don't try to beat around the bush. ज़्यादा की जरूरत क्या है? जो है वो है, पूरी तैयारी कीजिए. आपका फाइल फोल्डर बढ़िया सा बनाइए. उसमें जो टेस्टिमोनियल्स है, जो सर्टिफिकेट्स है, वो आप रखिए. सारी तैयारियां आप कर लीजिए. और इसके अलावा आपको एक रात पहले सुबह तक जो आपको करनी है, जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू है, वो कैंपस में हो या आप वहाँ जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपकी. जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका टर्नओवर कितना है, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, उसको कितने रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है अलग अलग ज्योग्राफीज में, ये पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए. यहाँ तक कि मैं कहूँगा, अगर आपको पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाले हैं, उनकी थोड़ी जानकारी आप लिंक्डइन में या फेसबुक में निकालिए. हो सकता है जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, वो 2-3 जो पैनलिस्ट है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, किसी का जन्मदिन हो. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको पता चल जाए, अगर कोइंसिडेंटली इफ दैट पर्सन हैज अ बर्थडे ऑन दिस डे, आई डोंट मीन दैट यू शुड कैरी अ बिग बुके एंड गो देयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से हैप्पी बर्थडे सर, हाउ आर यू. नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा. मैं कह रहा हूँ कि आपकी जानकारी में होना चाहिए. अगर है तो अच्छी बात है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ your conversation, then you can certainly say, by the way, happy birthday sir. तो इससे ये पता चलता है कि आप जो है, you are very detail oriented, you are very explorative. ये सारी चीज़ें हैं. Thank you very much for watching my YouTube channel. You can subscribe Kiran Kurwade and you can make a note of my mobile and WhatsApp number, that is 750-786-3123. Thank you very much.